हेलो क्लास टू, गुड मॉर्निंग। टेक आउट योर मैथ्स बुक एंड कॉपी एंड ओपन एट पेज नंबर 109। देखिए, हम लोग डिवीजन स्टोरी प्रॉब्लम कर रहे थे, इसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से, ठीक है। देखिए 18 क्या है। इन अ क्लास देयर वर 60 स्टूडेंट्स। इन अ क्लास देयर वर 60 स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स formed 10 groups. How many students were there in each group? ठीक, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 60 स्टूडेंट्स हैं। और वो बता रहा है कि जो 60 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 10 ग्रुप्स को फॉर्म किया है, यानी कि 10 ग्रुप बनाए, 10 ग्रुप्स बनाए हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? 10। अब ये पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट एक ग्रुप में हैं, वन ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं, ये आपको पता करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी टेकआउट करेंगे, ओपन करेंगे और उसमें ये राइट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 60। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 60 स्टूडेंट हैं टोटल, वो राइट कर दिया आपने। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स हैं? 10 ग्रुप्स हैं ना, 10 संगठन है, 10 ग्रुप्स हैं, तो यहाँ लिखेंगे 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करेंगे आप, आपको करना है डिवाइड, तभी आप बता पाएंगे कि वन यानी एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 10 के टेबल में 60 आता है, कितने टाइम आता है? 6 टाइम है। हाँ, यहाँ राइट करेंगे 6 10 6 60। माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0, 6 माइनस 6 0 हो गया। ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, कितने स्टूडेंट हैं एक ग्रुप में, एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट हुए हैं? तो देयर वर 6 स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं? 6 स्टूडेंट हैं। तो ये आप राइट कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। देयर आर 12 पीसेस of cakes on the table. Only 6 girls are to eat. How many pieces will each girl get? Eat. भाई देखिए, भाई क्या कह रहा है, There are 12 pieces of cake. Cake के कितने pieces हैं? 12 pieces हैं. Cake को 12 parts में कर दिया गया, तो 12 pieces हैं cake के, table पे रखे हुए हैं। ठीक, Only 6 girls, और कितनी लड़कियां हैं? 6, 6 लड़कियां हैं जिनको कि ये केक खाना है। 12 पीसेस ऑफ केक जो है, 12 पीस जो केक है, इसको खाना है। कितने लोगों को खाना है? 6 गर्ल्स को खाना है। तो आपको पता करना है कि 1 यानी एक गर्ल को कितना पीस मिलेगा खाने के लिए, 1 गर्ल को कितना पीस मिलेगा खाने के लिए। तो ईच गर्ल का निकालना है हमें, 1 गर्ल का निकालना है, तो हम डिवाइड कर रहेंगे। तो चलिए कॉपी में देखिए क्या राइट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम टोटल पीसेस ऑफ केक्स। केक्स के टोटल कितने पीसेस हैं? 12 पीसेस है ना, वो राइट कर देंगे। इसके बाद राइट करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हैं, कितनी गर्ल्स हैं खाने के लिए? 6, तो 6 राइट कर दिया। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है डिवाइड। चलिए देखिए, यहाँ पे 12 को डिवाइड करना है 6 से, यानी 12 पीसेस को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 जो है वो 6 के टेबल में आता है, कितने टाइम में? 2 टाइम में। तो 6 2 जा 12 हो गया आपका, माइनस करने पे आएगा 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, ये रिमाइंडर, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्या कह रहा था, एक लड़की को कितना पीस मिलेगा खाने के लिए? तो 2 पीसेस यानी 2 पीस मिलेगा खाने के लिए। तो राइट करेंगे ईच गर्ल विल ईट 2 पीसेस ऑफ केक। ईच गर्ल विल ईट 2 पीसेस ऑफ केक। ठीक है बेटा, ये राइट करिए कॉपी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। देखिए क्या है, 20 है, 20 पीपल आर वेटिंग फॉर टैक्सी। 20 पीपल यानी 20 लोग जो हैं, 20 पीपल, वो टैक्सी के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक, टैक्सी यानी ऑटो रिक्शा जो है, ऑटो वगैरह ये सब, इसके लिए वेट कर रहे हैं।
इंतजार कर रहे हैं। 5 टैक्सीज आर देयर। अब 5 टैक्सीज वहां पे हैं, कितने टोटल पीपल हैं, कितने लोग हैं, 20। कितनी टैक्सीज हैं, 5 टैक्सीज हैं। हाउ मैनी पीपल सिट इन ईच टैक्सी। तो आपको पता करना है कि ईच यानी वन, एक टैक्सी में कितने लोग बैठेंगे, एक टैक्सी में कितने लोग बैठेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कॉपी पे अपने। सबसे पहले क्या राइट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू 20। टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या है, 20। नंबर ऑफ टैक्सीज, टोटल कितने टैक्सीज हैं, 5 टैक्सीज हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या होगा, अब है टोटल 20 पीपल हैं और 5 टैक्सीज हैं, तो एक टैक्सी में कितने लोग बैठेंगे, तो हम करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं तो ये है 20, 5 के टेबल में 20 आता है। ठीक, कितना टाइम आएगा, 4 टाइम है। तो 5 4 जा 20। ठीक है, 0 माइनस 0 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया। अब ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया क्वेश्चन। अब कितने लोग बैठेंगे एक टैक्सी में, कितने लोग बैठेंगे, 4। तो यहाँ राइट करेंगे 4 पीपल सिट इन ईच टैक्सी, एक टैक्सी में कितने लोग बैठे हैं, 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। देयर आर 20 स्वीट्स, 20 मिठाइयाँ हैं। देयर आर 20 स्वीट्स, कितनी मिठाइयाँ हैं, 20। एंड 10 गर्ल्स, और कितनी लड़कियां हैं, 10 गर्ल्स हैं। हाउ मैनी स्वीट्स डज ईच गर्ल गेट। और आपको ये बताना है कि कितनी मिठाइयां एक लड़की खाएगी, एक लड़की को कितनी मिठाई दी जाएगी, कितनी मिठाइयां मिलेंगी। चलिए हम लोग देखते हैं, कॉपी पे आते हैं। चलिए राइट करेंगे सबसे पहले क्या, सबसे पहले राइट करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, कितनी मिठाइयां हैं, कितनी मिठाइयां हैं, 20। नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी लड़कियां थी, 10। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 10। अब क्या करेंगे, डिवाइड। चलिए डिवाइड करते हैं, तभी ना पता चलेगा कि वन गर्ल को यानी एक लड़की को कितनी मिठाई मिलेगी खाने के लिए। तो चलो डिवाइड करते हैं, तो 20 है, 10 के टेबल में 20 आता है। कितने टाइम, 2 टाइम। तो यहाँ राइट करेंगे 2, 10 2 जा 20, माइनस करेंगे 0 0 0, 2 2 0, रिमाइंडर, ये क्वेश्चन। ठीक, तो ये बताओ एक लड़की को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, 2। तो लिखेंगे ईच गर्ल विल गेट 2 स्वीट्स, ईच गर्ल विल गेट 2 स्वीट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है ये। देयर आर 21 प्लेयर्स, 21 प्लेयर्स, कितने खिलाड़ी हैं, 21, कितने खिलाड़ी हैं, 21। हाउ मैनी टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 7 प्लेयर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 21 प्लेयर्स। ये बताओ कि कितनी टीम बनेगी अगर एक टीम में 7 प्लेयर्स हों, वन टीम में अगर 7 प्लेयर्स हों, तो टोटल कितनी टीम बनेगी 21 प्लेयर्स को मिला के, यानी 21 प्लेयर्स में से, ठीक, 21 प्लेयर में से कितनी टीम बनेगी। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टीम, टीम कितना टीम बनेगा। एक टीम में कितने लोग हैं, 7, कितने प्लेयर्स हैं, कितने खिलाड़ी हैं, 7 प्लेयर्स हैं, कितने खिलाड़ी हैं, 7। तो जब वन टीम में 7 प्लेयर्स हैं, तो 21 प्लेयर्स का कितना टीम बनेगा, ये फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, आइए कॉपी पे इसको राइट भी करेंगे। चलिए देखते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, सबसे पहले तो हम राइट करेंगे कितने प्लेयर्स हैं हमारे पास, सबसे पहले ये राइट करेंगे ना। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इक्वल टू 21,
टोटल कितने प्लेयर्स हैं? 21 प्लेयर्स हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वन टीम, वन टीम, एक टीम में कितने प्लेयर्स हैं? कितने प्लेयर्स हैं? सेवन प्लेयर्स हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वन टीम, वन टीम में कितने प्लेयर्स? सेवन प्लेयर्स। ठीक, अब आपको पता करना है कि कितना टीम बनेगा, यही ना पता करना है। क्या करेंगे? डिवाइड के, चलिए डिवाइड करते हैं। तो टोटल 21 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से। तो ये बताओ 21 जो है वो 7 के टेबल में आता है? आता है। कितने टाइम में? 3 टाइम में। तो 7 3 जा 21। गुड, माइनस करेंगे 1 में से 0, 2 में से 0। ठीक, ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट में क्या राइट करेंगे? कितनी टीम बनी, कितनी टीम बनी बता दो। 3। गुड, सीख गई हो। चलो, सो टोटल नंबर ऑफ टीम्स इक्वल टू 3। कितनी टीम्स बनी? 3। तो यहाँ लिखेंगे सो टोटल नंबर ऑफ टीम्स इक्वल टू 3। ठीक है बाबू, ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 22 तक। और आपको आज 18 से 22 तक अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, वीडियो देख के, ध्यान से सुन के, समझ के लिखना है। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।